हरिओम। कभी सोचा है कैसा होगा कि अगर आपको अक्षय पात्र मिल जाए? खैर, कलयुग में अक्षय पात्र मिलना तो संभव नहीं, लेकिन यदि अक्षय व अनंत फलदायी तिथि का पता चल जाए तो चलिए बात करते हैं अक्षय फलदायी अक्षय तृतीया की, जो आ रही है 26 अप्रैल 2020 को। वैशाख शुक्ल तृतीया की महिमा मत्स्य, स्कंद, भविष्य, नारद पुराणों व महाभारत आदि ग्रंथों में है। इस दिन किए गए पुण्य कर्म अक्षय व अनंत फलदायी होते हैं, अतः इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। यह सर्व सौभाग्य प्रद है। यह युगादि तिथि यानी सतयुग व त्रेता युग की प्रारंभ तिथि है। श्री विष्णु का नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी के रूप में अवतरण व महाभारत युद्ध का अंत इसी तिथि को हुआ था। इस दिन बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ या संपन्न किया जा सकता है। इस दिन का प्रातः स्नान, पूजन व हवन का भी श्रेष्ठ महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा स्नान करने से सारे तीर्थ करने का फल मिलता है। गंगा जी का सुमरन एवं जल में आवाहन करके ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य स्नान तो सभी कर ही सकते हैं। स्नान के पश्चात प्रार्थना करें, माधवे मेषगे भानो मुरारे मधुसूदन प्रातः स्नानेन मेनाथ फलदह पापहा भव। इसका अर्थ है, हे मुरारे, हे मधुसूदन, वैशाख मास में मेष के सूर्य में हे नाथ, इस प्रातः स्नान से मुझे फल देने वाले हो जाओ और पापों का नाश करो। सप्त धान्य उपटन व गोचरण मिश्रित जल से स्नान पुण्यदायी होता है। इस दिन किया गया जप, उपवास व दान का भी श्रेष्ठ महत्व है। स्वाध्याय भी अक्षय फलदायी होता है। एक बार हल्का भोजन करके भी उपवास कर सकते हैं। भविष्य पुराण में आता है कि इस दिन दिया गया दान अक्षय हो जाता है। शास्त्रानुसार आज के दिन बूरा आदि मीठे से मिश्रित भुने हुए जौ के आटे यानी सत्तू का दान किया जाता है। यह सत्तू गर्मी के लिए साक्षात अमृत ही है। जौ गर्मी को शांत करने वाला सुपाच्य तथा हल्का भोजन है। शास्त्रों ने इसे देव अन्न में सम्मिलित किया है। जौ को उबालकर ठंडा किया हुआ पानी लू की परम औषध है। इसलिए शास्त्रकारों ने इस ऋतु में जौ का दान करने व खाने का विशेष महत्व बताया है। वैशाख में जल दान हेतु प्याऊ लगा सकते हैं। यह पुण्य कार्य अक्षय तृतीया से ही आरंभ होता है। यह पर्व त्याग और परोपकार की शिक्षा देता है। जैसा कि हम जानते हैं, आजकल लॉकडाउन का दौर चल रहा है, तो क्यों ना इस दौर में हम अपने माता पिता की पूर्ण श्रद्धा से सेवा करें व उनका आशीर्वाद पाएं और इस तिथि का भरपूर लाभ उठाएं। तो चलिए अब सुनते हैं अक्षय तृतीया का तात्विक संदेश। अक्षय यानी जिसका कभी नाश ना हो। शरीर एवं संसार की समस्त वस्तुएं नाशवान हैं, अविनाशी तो केवल परमात्मा ही है। यह दिन हमें आत्मविवेचन की प्रेरणा देता है। अक्षय आत्मतत्व पर दृष्टि रखने का दृष्टिकोण देता है। महापुरुषों व धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा और परमात्मा प्राप्ति का हमारा संकल्प अटूट व अक्षय हो, यही अक्षय तृतीया का संदेश मान सकते हो। अक्षय तृतीया की महिमा तो आपने जान ही ली है, तो आइए अब बात करते हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तीन पुण्यमयी तिथियों के महत्व की। शुत देव जी राजा जनक से कहते हैं, राजेंद्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम तीन पुण्यमयी तिथियां हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा यानी 5 से 7 मई तक, ये बड़ी पवित्र व शुभ कारक हैं। इनका नाम पुष्करणी है। ये सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो वैशाख के अंतिम तीन दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। वैशाख के अंतिम तीन दिनों में जप, ध्यान, पुण्य स्नान, दान और भगवत पूजन अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख में अंतिम तीन दिन भगवत गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है
और जो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में भूलोक व स्वर्गलोक में कौन समर्थ है।